व्हाट्स अप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल पर परफॉर्म लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है टाइटन के परफ्यूम के ऊपर, जिसका नाम है ओवरच। बहुत ही शानदार खुशबू है इसकी और बहुत ही अच्छी लॉन्जेबिलिटी भी है। इस परफ्यूम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, सारी इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, क्या इसके नोट्स हैं, क्या MRP है, कैसे इसको यूज़ करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इसी वीडियो के अंदर। बस आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए ओके। तो गाइस, जो सैंपल है मेरे पास वो 20 ml का है। ये एक्चुअली सैंपल नहीं कह सकते इसको, ये मतलब एक जब आप किसी ट्रैवल पे जाते हो तो 20 ml का एक पैक आता है, वो मैंने ख़रीदा था क्योंकि मेरे पास परफ्यूम इतने ज़्यादा हैं कि मतलब मैं ये वैसे भी कॉस्टली है ये 20 ml का जो प्राइस आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये वैसे कॉस्टली आता है तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करने के लिए। ठीक है, इसको मैंने एक साल पहले लिया था और आप ये बॉटल देख सकते हो, सिंपल सी बॉटल है लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है वो सिंपल नहीं है, आप देख सकते हो उसको। इसकी कैप है, ठीक है, इसके तीन तीन जो हैं क्वांटिटी के वो पैक्स हैं, 20 ml, 50 ml और 100 ml, अलग अलग आपको मिल जाएंगे। मैंने 20 ml इसलिए मंगाया था कि मुझे चेक करनी थी इसकी फ्रेगनेंस कैसी है और मैं अब आपको बताऊंगा इसकी फ्रेगनेंस कैसी है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इसका जो प्राइस है वो ऑनलाइन इस वक्त जो चल रहा है वो चल रहा है 535 का प्राइस, ऊपर नीचे हो सकता है। आपको अगर ये परचेस करना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप जो खरीद सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये करते हैं कि इसके नोट्स कैसी है, खुशबू कैसी है। देखिए, इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी मिक्सचर है नोट्स का। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, मैं यहाँ पे आपको एक स्नैपशॉट दे दूँगा, उसमें आप साइड टेल देख सकते हो। लेकिन जो एक इंडिविजुअल को फील होती है जो फ्रेगनेंस के अंदर कैसी कैसी खुशबू आती है अलग अलग, वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं फील कर सकता हूँ वो आपको बताता हूँ। ठीक है, वुडी नोट्स हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जो मुझे खुशबू आई वो हल्की सी लेमन का टच है, लेवेंडर का टच है, हल्का सा पचौली मुझे फील हो रहा है, हल्का सा पचौली फील हो रहा है, थोड़ा सा मैस्कुलिन लेदर की भी खुशबू है इसके अंदर, थोड़ी ग्रीन मॉस जो होता है उसकी हल्की सी खुशबू भी है यहाँ पर। अच्छी खुशबू है, एक बेहतरीन खुशबू बोल सकते हो आप ये, क्या कहते हैं इसे, ऑल टाइम जो कहते हैं ना एकदम सूटेबल फ्रेगनेंस है, उसे मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि ये जो फ्रेगनेंस है इसको आप ऑफिस में, कॉलेज में, नाइट में, डे में कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन खुशबू है। ठीक है, कंपनी जो बता रही है वो ये बता रही है कि इसका जो टॉप नोट है उसमें लेमन ऑयल, लेवेंडर ऑयल वगैरह वगैरह मिक्स है, काफ़ी 4-5 नोट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जो मेन है वो बता रहा हूँ। जो मिडल नोट है उसमें स्पेयरमिंट ऑयल ऐसे कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्पेयरमिंट ऑयल का नोट है, 2-3 और भी मिक्स है। और जो बेसिक नोट है उसमें पचौली, लेदर और ओक मोस का जो है कॉम्बिनेशन है, नोट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो काफ़ी यूनिक फ्रेगनेंस है, अलग फ्रेगनेंस है। बाकी आप परफ्यूम में देखते होगे तो 1-2 ही नोट का कॉम्बिनेशन था, इसमें कम से कम 3 या 4 कॉम्बिनेशन है। ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने 1-8 जो विराट कोहली का परफ्यूम था उसमें देखा था। अच्छी खुशबू है, मुझे ठीक लगी है खुशबू, डेफिनेटली 20 ml का जो पैक है बहुत ही शानदार है। इसके अंदर मुझे पता नहीं कितने स्प्रे आएंगे, लेकिन ये मैं तभी यूज़ करूँगा जब कोई स्पेशल ओकेजन होगा, कोई ऑफिस में जाना होगा या कहीं पार्टी या शादी में जाना होगा, तभी यूज़ करूँगा, क्योंकि ये नॉर्मल फ्रेगनेंस नहीं है, ये अच्छी फ्रेगनेंस है, इसको आप स्पेशल ओकेजन में ही यूज़ करिएगा, नॉर्मल टाइम में यूज़ मत करिएगा, जिम वगैरह में यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ये फ्रेगनेंस ऐसी नहीं है कि जो आप जिम में यूज़ कर सको, है ना। अच्छी खुशबू है, इसको अच्छी जगह इस्तेमाल करिएगा, थोड़ी कॉस्टली भी है तो इसको अच्छी तरीके से यूज़ करिएगा। ठीक है, इसके बारे में अभी जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको दे दी है। इसका एक और वेरिएंट है जिसका नाम है रॉ, उसका भी मैं जो है रिव्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका मैं रिव्यू करूँगा, वह आप ज़रूर देखिएगा।
ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया। कुछ भी डाउट है मुझे मैसेज करके बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।